नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फ़िल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाव धुलिया रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे है अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाव धुलिया को वो जानते ही हो इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटता है सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देखकर भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकर बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बेस के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा पीस बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम भेद अपना अगर इमट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी इमट की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदनमोआहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को जरूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फ़िल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि तो जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर भाव रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे है अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बादुल्लिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटते ही सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो 45 मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज़ जो है वो शेखपुरा जिला और नालंदा जिला और पटना ज़िला पर आधारित है चंदन महतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक मोहतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रिलर दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाई के दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिले के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खास बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट हो रहे एक आई ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोहा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोहा नाइनटीन के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोहा आईपीएस बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना और हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लुटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोहा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोहतो तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्रैम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकि तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहां पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल् को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता है सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पर इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकेत बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिट लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टेद अपना अगर तो हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गेम की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकी बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटता है सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें YouTube पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको YouTube पे नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खा थे बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ट भेद अपना अगर हेलमेट लोटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदनमुआहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ आप पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर धुलिया रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो धुलिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता ही सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रिलर दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाक बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से ज़रूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो तो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज़ को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊदुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या है वापस लौटता है सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा था नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देखकर भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज की कहानी जो है वो आप प्रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकर बीहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आईपीएस ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिट लोडा यानी कि करण टैक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा नाइनटीन के बेस के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना आमिट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से ज़रूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना गौर आमिट लोढ़ा चंदन महतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिमट लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदन चंदनमोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज़ को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फ़िल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज कराया गया था इसका अभी एक सीजन आया है पर यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर दुलिया रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे है अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होंगे तो दुलिया को वो जानते ही होंगे। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटते ही सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूटूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूटूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो 45 मिनट का पड़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं ये सीरीज़ जो है वो शेखपुरा जिला और नालंदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रिल दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं के दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकेत बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आईपीएस ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बेस के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू पी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टंद, भेद अपना अगर हिमट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी इमट लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को जरूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज आप ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर भाव रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बादुल्लिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटते ही सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें YouTube पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा था नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं कही ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा ज़िला और नालंदा जिला और पटना ज़िला पर आधारित है चंदन महतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोटा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक मोहतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रेस दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाय के दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते मामले के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकर बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोहा नाइनटीन के बेस के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोहा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही हेमेट लोढ़ा ने अपराध और प्रचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेमेट लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टेद अपना अगर हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी मुठ लुटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज़ बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोहा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकि तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल् को वो जानते ही हो इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता है सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पर इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकत बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टेद अपना अगर तो हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकी बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होंगे तो बाऊ दुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटता है सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें YouTube पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको YouTube पे नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खास थे बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ट भेद अपना अगर हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा बिहार का गैंगस्टर चंदनमोहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ आप पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल् को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता ही सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा निरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाक बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से ज़रूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंग की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकि तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहां पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल् रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज देखते आ रहे होगी तो बाउदुलिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता है सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पर इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रेस दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकत बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टेद अपना अगर हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गेम की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकी बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होंगे तो बाऊ दुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटता है सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें YouTube पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको YouTube पे नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खास थे बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ट भेद अपना अगर हेलमेट लोटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा बिहार का गैंगस्टर चंदनमुआहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ आप पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल् को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता ही सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा निरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रिलर दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाक बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिट लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो तो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंग की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज़ को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊदुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या है वापस लौटता है सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा था नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देखकर भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज की कहानी जो है वो आप प्रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकर बीहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी एस ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिट लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा नाइनटीन के बेस के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा एपीस बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुँचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना गौर इमट लोढ़ा चंदन महतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी इमट लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन महतो को ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को जरूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फ़िल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकी द बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर भाव रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे है अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होंगे तो बादुल्लिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटते ही सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो 45 मिनट का पड़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नालंदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन महतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक मोहतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाई के दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं बामेले के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाके थे बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोढ़ा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोहडा नाइन्टीन के बेस के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोहा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही हेमट लोढ़ा ने अपराध और प्रचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेमेट लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर हेमित लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराण जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनवा बिहार का गैंगस्टर मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ आप पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर धुलिया रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो धुलिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता ही सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा निरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाक बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से ज़रूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो तो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज़ को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊदुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या है वापस लौटता है सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा था नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देखकर भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज की कहानी जो है वो आप प्रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकर बीहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आईपीएस ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिट लोडा यानी कि करण टैक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा नाइनटीन के बेस के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना आमिट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से ज़रूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना गौर आमिट लोढ़ा चंदन महतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिमिट लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदन चंदनमोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज़ को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फ़िल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज कराया गया था इसका अभी एक सीजन आया है पर यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नीरेश पांडे है अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होंगे तो दुलिया को वो जानते ही होंगे। इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटते ही सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूटूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूटूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो 45 मिनट का पड़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं ये सीरीज़ जो है वो शेखपुरा जिला और नालंदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रिल दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं के दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकेत बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आईपीएस ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बेस के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू पी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टंद, भेद अपना अगर हिमट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिमट लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को जरूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज आप ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि तो जो आई है वहाँ पर दस में से आठ की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर भाव धुलिया रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बादुल्लिया को वह जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटते ही सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पे नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा था नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं कही ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पर इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा ज़िला और नालंदा जिला और पटना ज़िला पर आधारित है चंदन महतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोटा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक मोहतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रेस दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाय के दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते मामले के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकर बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोहा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोहा नाइनटीन के बेस के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं 25 साल में अमित लोहा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही हेमेट लोढ़ा ने अपराध और प्रचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेमेट लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टेद अपना अगर हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी मुठ लुटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज़ बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोहा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकि तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल् को वो जानते ही हो इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता है सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पर इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकेत बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टेद अपना अगर तो हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गेम की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकी बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटता है सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें YouTube पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको YouTube पे नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खा थे बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ट भेद अपना अगर हेलमेट लोटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा बिहार का गैंगस्टर चंदनमोहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है मूवीज आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकि चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज कराया गया था इसका अभी एक सीजन आया है पर यहां पर काबिल चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल् को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता ही सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पर इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा निरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाक बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से ज़रूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो तो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंग की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकि तो बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहां पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल् रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज देखते आ रहे होगी तो बाउदुलिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता है सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पर इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाक बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिर लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम टेद अपना अगर तो हेलमेट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गेम की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफ़िनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकी बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होंगे तो बाऊ दुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटता है सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें YouTube पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको YouTube पे नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाके थे बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा 1998 के बैच के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ट भेद अपना अगर हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदनमोहा बिहार का गैंगस्टर चंदनमोहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ आप पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकिद बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीजन आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज देखते आ रहे होगी तो बाऊ दुल् को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या रहा वापस लौटता ही सीरीज़ की ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये YouTube पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा निरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडी कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहानी इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहां पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्रिलर दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकि दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाक बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिट लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमिर लोडा 1998 के बैच के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोढ़ा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुँच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले है। राज हैं राज्य में पहुंचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेलमेट लौटाई के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से ज़रूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर तो हेलमेट लौटा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत लौटाई की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज़ बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खाकर बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंग की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाए नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज़ को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहे तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फिल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसी देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर बाहुदुल्हा रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे हैं। अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो बाऊदुल्हा को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या है वापस लौटता है सीरीज़ के ज़रा तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आप बता आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो पैंतालीस मिनट का पढ़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा था नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देखकर भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज की कहानी जो है वो आप प्रेडिट कर सकते हैं इस सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नांदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन मोहतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरो का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कहान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक महतो गिरोह को न्याय के कटघर में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाले एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाकी दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं फैमिली के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाकर बीहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने वो एक आई पी एस ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों अब बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब जो मूवी का हीरो है अमिट लोडा यानी कि करण टेकर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा नाइनटीन के बेस के आईपीएस अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यूपीएससी परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोढ़ा आई बनकर बिहार तो पहुँच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहाँ उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुँचते ही अमित लोढ़ा ने अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना अमित लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना गौर इमट लोढ़ा चंदन महतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी इमट लोढ़ा की या नहीं या फिर चंदन महतो को ये जानने के लिए आपको इस सीरीज को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोहा वा बिहार का गैंगस्टर चंदन मोहा तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्राइम से ही अगर उसे सही वक्त पर रोका चाहता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को जरूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज को देखिए नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत मेरे वीडियो में एक बार फिर से है और हम यहाँ पर एक और कमाल की सीरीज के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आप चाहें तो इसे मूवी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है वो हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं फ़िल्मों के अंदर भी देखा हो अगर आप लोगों को क्राइम थ्रिलर सीरीज़ देखना अच्छा लगता है या मूवीज़ आप ऐसे देखते हैं तो डेफिनेटली ये सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी साबित हो सकती है तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं हिंदी में कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी कितने एपिसोड आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे खाकी द बिहार चैप्टर वन इसे 2022 के अंदर रिलीज़ कराया गया था इसका अभी एक सीज़न आया है पर यहाँ पर काफी ज्यादा चांस बनते हैं कि इसका दूसरा सीज़न आपको देखने को मिल सकता है इसकी रेटिंग बहुत ही अच्छी है क्योंकि जो आई है वहाँ पर दस में से आठ पॉइंट दो की रेटिंग मिली हुई है जो कि एक अच्छी रेटिंग कहलाती है इसके अलावा इस फिल्म के डायरेक्टर या इस सीरीज़ के डायरेक्टर भाव रहे थे और इसके क्रिएटर नरेश पांडे है अगर आप लोग जो है वो सीरीज़ देखते आ रहे होगी तो दुलिया को वो जानते ही होंगे इन्होंने पहले भी कुछ कमाल की जो सीरीज़ है वो डायरेक्ट कर रखी है इन्होंने दोस्तों मूवीज़ भी कुछ बनाई हुई है और उनकी मूवीज़ भी दोस्तों काफ़ी बढ़िया साबित हुई है क्या वापस लौटते ही सीरीज़ की तरफ तो अगर आप इसे हिंदी में देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसका सीज़न वन जो है वो अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे आप इसे नेटफ्लिक्स पे जाके देख सकते हैं इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि हमें यूट्यूब पे इसे देखना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये सीरीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती है क्योंकि ये यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है इसके अंदर आपको लगभग दोस्तों एक एपिसोड जो है वो 45 मिनट का पड़ने वाला है इसके अंदर आपको सात एपिसोड देखने को मिलेंगे और सभी के सभी डायरेक्ट जो है वो एक ही डायरेक्टर ने किया है और इसको लिखा नीरज पांडे ने इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको एंड तक बांधे भी रखती है इसके अंदर आपको एक बहुत ही अच्छी कहानी भी देखने को मिल जाती है और कहीं ना कहीं आप लोग इस मूवी के जो पोस्टर है वो देख भी यहाँ पे इस मूवी की थोड़ी बहुत कहानी है या इस सीरीज़ की कहानी जो है वो आप रेडिट कर सकते हैं ये सीरीज जो है वो शेखपुरा जिला और नालंदा जिला और पटना जिला पर आधारित है चंदन महतो जो कि वास्तविक जीवन में पिटू मेहता थे मोहतो थे और अशोक मोहतो गिरोह का सदस्य होता है जो कई वर्षों से नालंदा और शेखपुरा में सक्रिय है कान इस बारे में है कि कैसे शेखपुरा आई के आईपीएस अमित लोढ़ा अपने निजी मुद्दों को सुलझाते हुए अशोक मोहतो गिरोह को न्याय के कटघरे में लाते हैं हालांकि यहाँ पर आपको एक कहानी पुलिस वाले की है अब हर पुलिस वाला एक जैसा तो होता नहीं है कुछ ऐसे होते हैं जो ईमानदार होते हैं और यहाँ पर कहानी ही एक ऐसे ईमानदार ऑफिसर की भी है इसके बारे में हम आपको अब आगे बताएंगे और डिटेल में इसके बारे में चलिए चर्चा कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको क्राइम थ्र दोनों ही देखने को मिल जाता है और ऐसी अगर आप सीरीज़ देखते हैं तो ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए वेब सीरीज़ दोस्तों मसालेदार है और इसके अंदर आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाता है जो आप देखना चाहते हैं बाई के दोस्तों अगर आप इसे देखना चाहते हैं बामेले के साथ तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे अकेले ही देखिए ये एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है तो जो खाके थे बिहार चैप्टर की कहानी है वो दोस्तों दिल्ली आईआईटी के से ग्रेजुएट होने एक आई पी ऑफिसर की होती है जो कि दोस्तों बहुत कुछ जो है वो मतलब बदलाव करने वाले हैं यहाँ पर उनके अंदर जो है मतलब तो जो मूवी का हीरो है अमित लोडा यानी कि करण टेक्कर इनकी कहानी आपको यहाँ पर दर्शाई गई है अमित लोडा नाइनटीन के बेस के आई अधिकारी होते हैं जिन्होंने पहली बार ही यू परीक्षा पास कर ली होती है अमित लोडा की पहली पोस्टिंग बिहार में हुई थी और शादी के एक हफ्ते बाद वो ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए बिहार पहुंच जाते हैं पच्चीस साल में अमित लोडा आई बनकर बिहार तो पहुंच गए थे लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां उनके सामने कितने सारे चैलेंज आने वाले हैं राज्य में पहुंचते ही हेमट लोढ़ा ने अपराध और प्रचार को रोकने के लिए कदम आगे बढ़ाया इस बीच में उनका सामना होता है बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर चंदन मोहतो यानी कि अविनाश तिवारी से बिहार के सबसे बड़े गैंगस्टर को पकड़ना हेमेट लोढ़ा के लिए बिल्कुल आसान नहीं रहता है पर उन्होंने ठान लिया था कि वो पंद्रह अगस्त को आज वाले दिन बिहार की मासूम जनता को इस अपराधी से जरूर बचाएंगे साम डाम ड भेद अपना अगर हेमिट लोढ़ा चंदन मोहतो को गिरफ्तार करने लगते हैं अब अंत में क्या होगा कि जीत होगी हिम्मत की या नहीं या फिर चंदन मोहतो कोई ये जानने के लिए आपको इस सीरीज़ को ही देखना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि बिहार की राजनीति और क्राइम को लेकर ऐसे पहले सीरीज बनाई गई हो इससे पहले भी गंगा जल और महाराष्ट्र जैसी सीरीज बनाई चुकी है जो कि बिहार के ऊपर आधारित थी इस सीरीज़ को आप लोग जरूर देख सकते हैं ये आपको अच्छी लगेंगी यहाँ पर नीरज पांडे की सीरीज़ है जो कई मायनों में काफ़ी अलग महसूस कराती है खास बिहार चैप्टर में दिखाया गया है कि कैसे एक डीजल चोरी करने वाला चंदन मोह बिहार का गैंगस्टर चंदन मोह तो बन जाता है यहाँ पर दोस्तों हर एक गैंगस्टर की शुरुआत होती है छोटे क्रैम चाहिए अगर उसे सही वक्त पर रोका जाता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता आप इस मूवी को ज़रूर देखिए ये दोस्तों आपको अच्छी लग सकती है हो सकता है कि फ्यूचर में इस बारे में कोई मूवी भी आ जाए अगर आप इसे देखे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कैसे लगी अगर अभी तक नहीं देखा है तो अभी से नेटफ्लिक्स पे वहाँ पर जाकर इस कमाल की सीरीज़ को देखिए